देखें जी, आज हमारा जो टॉपिक है वो है मोमेंट अबाउट मीन फॉर अनग्रुप डेटा। यानी इसके अंदर जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक में हमारे पास मोमेंट अबाउट मीन फॉर अनग्रुप डेटा, यानी इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो मोमेंट्स हैं वो अबाउट एनी पॉइंट भी हम डिस्कस करेंगे। यानी आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो मोमेंट अबाउट मीन हमारे पास फॉर अनग्रुप डेटा है, और उसके अलावा हमारे पास इसके अंदर एक अनग्रुप है और एक हमारे पास रहती है, इधर हमारे पास एक अनग्रुप हमारे पास है और एक हमारे पास ग्रुप डेटा हमारे पास मौजूद है। तो ये देखें जी, हमारे पास सबसे पहले तो हम मुख्य टॉपिक डिस्कस करेंगे, फिर मोमेंट्स को भी डिस्कस करेंगे कि मोमेंट्स जो है वो क्या चीज़ होते हैं और इसका हमारी लाइफ से क्या ताल्लुक है, ये भी हम इंशाल्लाह डिस्कस जो है वो इसके अंदर करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास इसके अंदर है मोमेंट्स अबाउट मीन फॉर अनग्रुप डेटा, यानी ये हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे अनग्रुप डेटा। तो सबसे पहले हमें जो मिलता है वर्ड वो है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन और एक लफ्ज है पॉपुलेशन और एक वर्ड है हमारे पास सैंपल, यानी ये सैंपल। सबसे पहले हम पॉपुलेशन और सैंपल के अंदर थोड़ा सा फर्क डाल देते हैं। डिफरेंस क्या है इसके अंदर? पॉपुलेशन हमारे पास एक ऐसा सेट होता है जिसको हम अंडर कंसिड्रेशन करते हैं और उसमें से इसको पॉपुलेशन कहते हैं, और उस अंडर कंसिड्रेशन सेट के अंदर जिसे कोई चीज़ हम जो है वो बाहर ले लें, यानी सैंपल उसका सबसेट ले लें, तो हम उसे सैंपल कहते हैं। मसलन मैं अंडर कंसिड्रेशन की एक एग्जांपल बेहतरीन जो कि हमारे पास कुक की मौजूद है, जो कि राइस बेक करता है, राइस को वो पकाता है। जब वो राइस को पकाता है तो वो डिसीजन करता है कि अब उसे ये चाहिए कि ये राइस प्रिपेयर हो गई है खाने के लिए, ईटिंग के लिए, फूड के लिए, इंसान की खुराक बनने का हिस्सा हो गए हैं या नहीं हुए हैं। तो उस सूरत हाल के अंदर वो ये करता है कि उसके अंदर चंद राइस लेता है, यानी वो और अपनी हथेली पे रखता है या हाथ पे रखता है या खाना खा उसको खाता है चंद राइस को। यानी अगर उसके अंदर 10,000 ग्रेन है, यानी चावल के दाने 10,000 हैं, 10,000 हैं चावल के दाने, अगर हम काउंट कर लें फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें से चंद एक उठाता है, 3-4 उठा लेगा, 5 उठा लेगा, 10 उठा लेगा, और फिर उसको या तो हाथों से ग्राइंड करके उसे चेक करता है कि वो पक गए हैं या नहीं पके, या हमारे पास वो इस बात को करता है कि वो उसको खा कर चेक करता है। अगर वो समझता है खाने के बाद या ग्राइंड करने के बाद ये समझता है कि वो खाना पक गया है उसका, तो उस सूरत हाल में वो डिड्यूस करता है कि जो बाकी 10,000 जो उसने चूल्हे पर रखे हैं, हीट जिनको दे रहा है, वो भी पक चुके हैं, लिहाजा वो उसको उतार कर खाने के लिए तैयार कर देता है अपने गेस्ट के लिए, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए। तो अब उसने जो छोटे दाने पूरे नहीं खाए, चावल पूरी बेग नहीं खाई, बल्कि उसने जो है वहाँ पे कुछ हिस्सा, उसका मामूली सा हिस्सा लिया और उसमें से फैसला किया कि ये खाना पक गया है या अभी इसको मजीद वक्त देना है। अगर उसने फैसला किया कि इसको मजीद वक्त देना है, तो जो उसको मजीद वक्त देगा उस चीज से जो उसने चंद चावल उठाए थे, पूरी चावल नहीं उठा के खाए थे, सिर्फ चंद चावल उठाए, 10,000 में से 5-6 उठा लिए, 10 उठा लिए, और उसके जरिए फैसला किया कि अभी ये मुकम्मल तौर पर फूड के लिए तैयार हैं या नहीं है। अगर तो हमारे पास क्या कहते हैं वो फूड के लिए तैयार हैं, तो वो उसके लिए उसी तरह तैयारी करेगा और अपनी फैमिली मेम्बर्स के सामने उसको सर्व कर देगा। लेकिन और अब पॉपुलेशन के बारे में डिड्यूस कर दिया उसने कि ये भी पक चुका है, अगर वो फैसला करता है कि ये हमारे पास इसके अंदर आके वहाँ पर पक चुका है, यानी खाना। लेकिन अगर खाना यानी राइस अगर नहीं पके, तो फिर उसको मजीद हीट वो देगा और जिसके मुताबिक वो अपना फैसला करेगा। इसी तरह ये एक मिसाल है कि चंद राइस से हम पूरी जो है देख या जो भी खाने की मुकम्मल है देख है उसके फैसला कर देते हैं कि ये सही पकती है या नहीं पकती। इसको पूरी देश पॉपुलेशन खिलाएगी, फिर
क्योंकि वो अंडर कंसिडरेशन सेट है, और उसमें से कुछ दाने जो हम उठा रहे हैं वो सैंपल खिलाएंगे, एक चीज। दूसरी एक और मिसाल है कि अगर हम ये देखना चाहते हैं अपने कॉलेजेस की, मिसाल के तौर पे आप अपनी यूनिवर्सिटी के ले लें, तो वहाँ पर हम ये देखना चाहते हैं कि तालीम का मियार क्या है, तो दो तरीके हैं, जितनी स्ट्रेंथ है, तादाद है, हम उनके पास एक एक करके जाएं। मिसाल के तौर पर वहाँ पे 5,000 स्टूडेंट पढ़ रहा है, 5,000 स्टूडेंट, हम उनके पास एक एक टीचर के, एक एक के पास जाएं और हर टीचर के पास भी ईमानदाराना राय लें, बाइस राय ना लें कि वो स्टूडेंट किसी वजह से जो है वो टीचर से नाराज़ है कि जी मुझे ग्रेड बी देना था, इन्होंने जनता है सी दे दिया या डी दे दिया। उससे हटकर उससे ये सवाल पूछा जाए, यानी हर स्टूडेंट अनबाइस हो, बाइस ना हो। अगर अनबाइस हर स्टूडेंट को मानते हुए हम उससे ये सवाल पूछें कि कौन सा टीचर आपको बेहतर पढ़ा रहा है और कौन सा टीचर टीचिंग मेथड बेहतर नहीं है, और वो एक सवाल का जवाब दे, तो ये सारी पॉपुलेशन हो जाएगी अगर 5,000 के पास हो जाएंगे। लेकिन अब ये अंडर कंसिडरेशन सेट हमारी यूनिवर्सिटी है, और उसके अंदर आपके पास अगर ये 5,000 के पास डिस्कस करना, लेकिन ये ऐसा मुमकिन नहीं होता जब ये यूनिवर्सिटी को हम यूँ करते हैं कि पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ले लें, तो फिर हम हर एक के पास जाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। अमेरिकन के ले लें, इंग्लैंड के ले लें, पाकिस्तानी ले लें, या सिर्फ पाकिस्तानी ही ले लें, पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज को, तो उसके पास जाना हम हर स्टूडेंट के तक अप्रोच करना हमारे लिए आसान नहीं है। अब हम करते क्या हैं, हम ये करते हैं कि चंद स्टूडेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, जिनको हम समझते हैं कि ये उनको पिक कर लेते हैं, लाइक स्टूडेंट्स को हमें मिल जाए, चंद मैकेनिकल के, चंद केमिकल के, यानी 2, 3, 4, 5 इस तरह करके हर डिपार्टमेंट में से हम दो दो तीन तीन स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेते हैं, और जो मैकेनिकल, केमिकल, सिविल, और उसके बाद ये मुख्तलिफ इंजीनियरिंग के, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के शोभा जहाज में से, और इसी तरह BS, CS में से, BBA में से, पूरी यूनिवर्सिटी में से, कि हर डिसिप्लिन में से दो दो तीन तीन सेलेक्ट कर लेते हैं, और उनसे टीचर्स के बारे में राय पूछते हैं। तो वो जो राय दें, उस राय की बुनियाद पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो फैसला करे कि फलां टीचर बहुत बेहतर है, फलां टीचर का मेथड अच्छा नहीं है, फलां टीचर जो है वो वहाँ पे काम नहीं कर रहे, या फलां टीचर बेहतर काम कर रहे हैं। तो ये हमारे पास ये सैंपल होगा अगर चंद अफराद के साथ राय ली जाए। अक्सर अवकात हम जो है वो सैंपल के साथ काम करते हैं ताकि हम पूरी जो पॉपुलेशन है उसके बारे में राय कायम कर सकें। यहाँ पर अब हमारी जो डिस्कशन है, यानी मैंने इसमें वाजे किया इस सारी डिस्कशन में कि पॉपुलेशन और सैंपल के अंदर डिफरेंस क्या लाई करता है। अब हम आते हैं जी इसके अंदर के इसका फार्मूला। हमारे पास ये फार्मूला अलहदा है, पॉपुलेशन काफ़ी दफ़ा आएगा, सैंपल अलहदा अलहदा आएंगे, और मुख्तलिफ टॉपिक के साथ आएंगे। तो पॉपुलेशन मूवमेंट अबाउट द मीन, हमारे पास जो फार्मूला है वो हमारे पास इसके अंदर फार्मूला हमारे पास ये है, फार्मूला ये हमारे पास है इसके अंदर पॉपुलेशन का, और इसकी नोटेशन जो है न्यू आर हमारे पास लिखी जा रही है। अब यहाँ पे हम इसके अंदर, यानी आप इसके अंदर जो है यहाँ पर ये कर लिया, उसके बाद एक और सैंपल स्पेस का हमारे पास क्या है जी, सैंपल स्पेस का हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या हमारे पास मौजूद है। सैंपल स्पेस का फार्मूला हमारे पास है सैंपल स्पेस का फार्मूला हमारे पास ये देखें जी, अब हमारे पास है आर्थ सैंपल मोमेंट अबाउट मीन, अबाउट मीन हमारे पास जो है वो लिखा जा रहा है।
तो इसके अंदर आपके पास क्या कहते हैं, अबाउट मीन के अंदर हमारे पास, इसमें हमारे पास क्या कहते हैं, अबाउट मीन ही की हमारे पास डिस्कशन जारी है। तो इसके अंदर जो फार्मूला है वो हमारे पास ये फार्मूला है जी हमारे पास, अर्थ मोमेंट अबाउट मीन, ये फार्मूला हमारे पास लिखा गया। उसके अंदर ये मीन हमारे पास है, मीन जो हमारे पास है यानी मीन हमारे पास है, मीन का हमारे पास ये है कि y बार जो है वो हमारे पास लिखा जा रहा है, यानी कि y बार हमारे पास, और y बार मीन हमारे पास होगा, और यहाँ नोटेशन y बार है, कुछ जानते हैं वो इसको x बार के तौर पर लेते हैं, यानी दोनों जो हैं वो हमारे पास इसके अंदर इस्तेमाल होती है। r की वैल्यू जो है वो हमारे पास इसके अंदर, r की वैल्यू हमारे पास इसमें जो शुमार होती है वो आपके पास जो रहती है 1 2 3 4 5 जो है वो हमारे पास इस्तेमाल होती है, 1 2 3 जो भी फाइनेट नंबर तक, जो वैल्यूज हैं वो हमारे पास इस्तेमाल होती है। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि इसका वाई बार से जो समेशन है यानी yi-y बार आपके पास है वो हमेशा ज़ीरो होगा, इसको फर्स्ट मोमेंट हमेशा हमारे पास जो रहते हैं वो ज़ीरो कंसीडर होगा। तो लिहाजा हमारे पास जो रहती हैं इसमें वह, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको हमने जो है वो देखना है कि ये हमारे पास क्या लिखे जाते हैं। तो अब उसके बाद फर्स्ट मोमेंट, आगे हमने ये भी लिखा है कि m1 जो है वो हर वक्त जो है वो हमारे पास ज़ीरो कंसीडर होगा। तो यहाँ पर आपके पास यानी m1 ऑलवेज ट्रू, यानी ये हमने लिखा है कि m1 जो है ये हर वक्त जो है, चाहे ग्रुप डाटा हो चाहे अनग्रुप डाटा हो, दोनों सूरत हाल के अंदर m1 जो है वो हमारे पास ये लिखा जाएगा, m1 हमारे पास क्या कहते हैं उसको ज़ीरो कंसीडर किया जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, जो कि हमारे पास ये है ग्रुप डाटा का। हम यहाँ पे सबसे पहले इसका फार्मूला लिखें, ग्रुप डाटा का फार्मूला यही है, द आर सैंपल स्पेस, के हमारे पास आर सैंपल स्पेस जो है, आर सैंपल स्पेस के अंदर ये हमारे पास है जी, इसके अंदर ये आर सैंपल स्पेस, जबकि उसकी फ्रीक्वेंसी ली गई है। फ्रीक्वेंसी से मुराद है कि वो वैल्यू कितनी दफ़ा अकर करती है। एक तो ये हमारे पास है जिसकी मिसाल मैं ये देना चाहूँगा कि मिसाल के तौर पर अगर हम ये कहते हैं कि टीचर ये क्लास में पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और वो ये हमें कहती हैं कि जी 5 से 5 से लेकर 10 तक जितने स्टूडेंट्स हैं वो खड़े हो गए, तो 5 से 10 तक जितने स्टूडेंट्स होंगे वो खड़े हो गए, मिसाल के तौर पर वो 12 स्टूडेंट्स थे, सारी क्लास खड़ी हो सकती है, एक लड़का भी खड़ा नहीं हो सकता। अगर कोई लड़का नहीं खड़ा हो रहा है तो इट मीन कि वहाँ पे ज़ीरो फ्रीक्वेंसी है, और अगर आपके पास वहाँ पे 5 स्टूडेंट खड़े हो गए या 10 हो गए, जितने स्टूडेंट खड़े हो गए वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 5 से 10 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले। और उसके बाद हमारे पास इसके अंदर, लेकिन अगर सारी क्लास खड़ी हो गई ये भी पॉसिबल है, तो इसका मतलब है कि टोटल जितनी स्टूडेंट होगी वही उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तीसरा, हमें ये नहीं पता लगता कि इसके अंदर कि जब हम 5 से 10 स्टूडेंट्स को मार्क करते हैं तो जो डाटा हम सेलेक्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर, तो उसमें हमें ये नहीं पता लगता बाज़ूकात कि ये 6 नंबर वाले कितने स्टूडेंट हैं 5 से 10। अगर मिसाल के तौर पर हमारे पास 12 स्टूडेंट खड़े हो गए तो 6 नंबर वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 13 वाले कौन से हैं, 14 वाले, सॉरी 5 से 10 हमारे पास खड़े हो गए, 6 वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, 7 स्टूडेंट नंबर हासिल करने वाले स्टूडेंट्स हैं कितने हैं, वो बाज़ूकात हमें नहीं पता लगता, खासकर इंटरवल के अंदर। तो लिहाजा ये हमारे पास एक प्रॉब्लम सा आता है, लेकिन उसको भी किसी तरह हम जो है वो बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपके पास ये सूरत हाल आती है कि इसमें आर की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी है 1 2 3, और इसको हमने कहा है कि वो हमारे पास क्या कहते हैं, आर जो है वो आपके पास, ये एक हमने यहाँ पे ये लिखा है आर इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन, ये सो ऑन कभी भी नहीं हो सकता, इसमें जब भी आएगा ये फाइनेट आएगा, जब भी हमारे पास आएगा ये हमारे पास फाइनेट जो है वो लिखा जाएगा, यानी कि फाइनेट हमारे पास लिखा जाएगा।
लिहाजा ये फाइनली आपने इसको कंसिडर करना है। और ये जो एन है इसकी वैल्यू यहाँ पर समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n हमारे पास लिखी जाएगी। और फ्रीक्वेंसी के अंदर F1, F2, F3 ये हमारे पास लिखा गया है फॉर्मूला इसका, तो ये इसके इक्विवेलेंट हमारे पास लिखा जाता है। आगे हम आते हैं, दोबारा हम यही बात कह रहे हैं कि भी आप तो जो फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन है वो आपका 0 होगा, तो लिहाजा ये इसके ग्रुप डेटा में भी यही हमारे पास है। जो पिछला था फॉर्मूला था वो हमारे पास था अनग्रुप डेटा के लिए। अब हम आगे स्टेप्स को बढ़ाते हैं कि ये हमारे पास क्या स्टेप्स इसके अंदर मौजूद है। उसके बाद ये हमारे पास ये है, उसके बाद अब ये फॉर्मूले हम इंप्लीमेंट करते हैं। कैलकुलेट द फर्स्ट फोर मूवमेंट M1, M2, M3, M4, यानी हम इसके अंदर ये कह रहे हैं कि आप इसकी वैल्यूज को कैलकुलेट करें। कौन कौन सी वैल्यूज हम कैलकुलेट करने को कह रहे हैं जी? हम इसके अंदर ये वैल्यूज को कैलकुलेट करने को कह रहे हैं कि M1 हमारे पास हो, M1, M2, M4, यानी ये हमारे पास हो। और उसके बाद इसके अंदर डेटा जो है वो हमारे पास ये है, तो 45 आपके पास, यानी 45 हमारे पास हो। और उसके बाद क्या कहते हैं, हमारे पास 45 और 32 और ये सारे हमारे पास लिखे जाएंगे। लिहाजा ये डेटा हमारे पास है जो कि डिस्क्रीट है, और ये इसके अंदर कंटिन्यूसली, यानी कि ये भी हो सकते हैं कि डेसिमल पार्ट के साथ आके ले लें। फिलहाल ये डिस्क्रीट हमारे पास है, इट इज अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा क्योंकि ये अनग्रुप है यहाँ पर, तो हम कह सकते हैं कि हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो हम अनग्रुप डेटा की कर रहे हैं, यानी ये अनग्रुप डेटा है हमारे पास। लिहाजा डिस्कशन जो की जा रही है वो हमारे पास अनग्रुप डेटा की डिस्कशन की जा रही है। उसके बाद ही हमारे पास ये है कि इसका जो फार्मूला अप्लाई होगा, अनग्रुप डेटा हमने अभी पढ़ा था लास्ट पेज के ऊपर, कि वो हमारे पास है इसके अंदर अनग्रुप डेटा का फार्मूला ये। तो पहला सवाल जो है अबाउट द मीन, और ये भी हम कह रहे हैं कि वो अबाउट द मीन हमारे पास है। वाई आई से मुराद है Y1, Y2, Y3, Y1, Y2 से क्या मुराद है जी हमारे पास? कि Y1, Y2 से मुराद हमारे पास ये वैल्यूज हैं, यानी जो वैल्यूज हम यहाँ पर कर रहे हैं, यानी ये वैल्यूज हमारे पास, ये Y1 है हमारे पास, इसके बाद ये Y2 है, ये Y3 है, ये Y4, Y5, Y6, Y7, Y8, ये हमारे पास है, यानी कि हमारे पास ये वैल्यूज लिखी गई हैं। लेकिन सबसे पहले इसको अरेंज डाटा करेंगे। टोटल वैल्यूज ये कितनी है? वो 9 है। तो एन से मुराद है टोटल ऑब्जर्वेशन, तो हमारे पास जो एन हमारे पास होगा, एन जो आपके पास होगा वो 9 है इसमें, क्योंकि ये हमारे पास टोटल जो है वो आपके पास 9 है, ये चीज हमारे पास, यानी कि 9 हमारे पास है ये डेटा। ये डेटा जो हम यहाँ पे ये इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये डेटा हमारे पास जो कहते हैं 9, तो लिहाजा ये टोटल ऑब्जर्वेशन 9 है, तो एन भी 9 हमारे पास लिखा जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास जो फार्मूला है समेशन वाई, ये वाला फार्मूला वाई बार इज इक्वल टू समेशन वाई आई ओवर एन से हमारे पास जो कहते हैं सवाल हल किए जाएंगे। अब ये वैल्यू सबसे पहले तो अरेंज करेंगे हम, इसके अंदर जो डाटा गिवन है, तो इसके अंदर जो गिवन है उसको अरेंज कर लेते हैं पहले। तो हमने यहाँ पर यही कोशिश की कि ये आपके पास जो कहते हैं अरेंज कर दिया जाए, यानी सबसे पहले हमारे पास 32 आए, और फिर उसके बाद हमारे पास जो कहते हैं 32 हमारे पास आया जी, ये हमने यहाँ पे डेटा को अरेंज किया। ये डेटा अरेंज करके हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके अगेंस्ट अब जब हमने ये किया, उसके बाद फिर हमने ये स्टेप किया कि वाई बार जो है वो हमने यहाँ पर मालूम किया, वाई आई वाई बार, ये हमने स्टेप जो है वो किया, तो ये हमारे पास 40 आए। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू रखी, यानी इसकी वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पे रखी, और इसकी वैल्यू हमारे पास आई थी, यानी ये आपके पास वैल्यू जो है हमने यहाँ पर, इसकी वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पर रखी। वैल्यू हमारे पास क्या आई थी इसके अंदर? वैल्यू जो हमारे पास आई थी, वैल्यू में हमारे पास इसके अंदर 40 आई थी, तो वाई बार की,
यानी हमने यहाँ वाई बार की वैल्यू जो है वो 40 रखी। अब यहाँ 40 रखी है तो अब इसकी उसी से आगे 32 माइनस 40 यानी डेटा के साथ कंपेयर किया, -8 आया। यानी हम कहना क्या चाह रहे हैं, हमने इससे कंपेयर किया यानी इसके साथ जो है माइनस किया, और उसके बाद इसी तरह ये हमारे पास कंटिन्यू किया आगे। तो हमारे पास जब कंटिन्यू किया इन सब को तो आंसर जो थे वो हमारे पास ये आ गए, और इसका जब सम किया तो वो 0 था हमारे पास। अब ये 0, इसके बाद ये 0 हमारे पास आ गया। आगे हम चाहते क्या थे, हम चाहते हैं फोर्थ मोमेंट फाइंड आउट करना। तो फोर्थ मोमेंट में इसका हमने क्या कहते हैं, इसी कॉलम का, ये जो कॉलम हमारे पास मौजूद है इस कॉलम का हमने इसके अंदर स्केल लेना है और फिर क्यूब लेना है। अगर 4 है तो इसी कॉलम का अनग्रुप डेटा के अंदर हम इसके अंदर इसकी मुख्तलिफ वैल्यूज को यहाँ पर रखेंगे, यानी इसकी मुख्तलिफ वैल्यूज को हम इसके अंदर जो है वहाँ पर रखेंगे और इसके जरिए हम काम करेंगे। ये देखेंगे अब इसके अंदर हम यहाँ पे ये कर रहे हैं कि ये कॉलम आप अगर गौर करें तो हमारे पास इसके अंदर ये सारे कॉलम यानी ये 4 कॉलम हमने बनाए हैं। तो 4 कॉलम जो हैं वो हमारे पास इसके अंदर, और इनकी हेडलाइन देखें, ये हमारे पास चारों कॉलम्स को हमने यहाँ पे बनाया। और उसके बाद ये किसका कॉलम किया, हमने इसका कॉलम किया, ये जो कॉलम हमारे पास मौजूद है यानी कि हमने इस कॉलम को जो है वो डिस्कस किया, ये कॉलम जो हमने यहाँ पर बनाया हुआ था यानी ये कॉलम का क्यूब बनाना है और स्केल बनाना है। ये स्केल बन रहा है, क्यूब बन रहा है, यानी यहाँ पे ये स्केल आया जो कि -4 का -8 का स्केल हमारे पास आ गया। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, इसके अंदर -8 का स्केल 64 जो हमने यहाँ पर लिखा, यानी ये लिखें -8 का 64 हमारे पास ये आ गया। फिर -8 का क्यूब आया, क्यूब देखें हमारे पास -5 12 माइनस के साथ लिखा, और उसके बाद हमने फिर ये 4 आ गया। इसी तरह बाकी हमने सारे किए वैल्यूज को किया, जो भी वैल्यूज हमारे पास थी यानी कि वैल्यूज हमने उसके अंदर सारे कॉलम्स की हमने वैल्यूज को जो ये आई थी वैल्यू उनके साथ 4 बनाया इस कॉलम्स का जो हमने यहाँ पर लिखा था। यानी हमने कौन से कॉलम्स का इसका बनाया, इसके अंदर ये कॉलम्स का हमने इस कॉलम्स का जो है वो स्केलिंग की, इसी कॉलम्स की हमने यहाँ पर इसका वो किया, क्या कहते हैं, स्केल किया, क्यूब किया, फोर किया। और फिर हमने इसके रिजल्ट यानी कि सम क्यों सम किए, क्योंकि हमें जो है यहाँ पर वैल्यू कौन सी चाहिए, हमें जो वैल्यू चाहिए वो इसके अंदर ये फार्मूला हमारे पास है, ये फार्मूला हमारे पास है। इसके अंदर एक मिस्टेक हो गई, क्या मिस्टेक हो गई थी, कि इसके अंदर समेशन i=1 to n yi - y bar और इसकी पावर जो है वो r लिखनी थी, यानी इसकी पावर जो हमारे पास लिखनी थी वो हमारे पास r लिखनी थी। हम यहाँ पे इसके अंदर कोशिश करते हैं कि ये हमारे पास इसमें सारा लिखा जाए, यहाँ पे r होने थी, r हमारे पास। तो अब r की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी आनी है, r की वैल्यू हमारे पास आएगी इसके अंदर 4 तक जाएंगे। क्यों 4 तक जाएंगे, क्योंकि इसमें सवाल के अंदर लिखा है कि जी आप इसके अंदर जो है वो 4 तक वैल्यूज को मालूम करेंगे, ये इसने यहाँ पे मेंशन किया। तो लिहाजा ये हमें यहाँ पर 4 तक जो है वो करना है। अब इसको इसी वजह से भी हमें इसकी yi - y bar जो है वो हमने किया। अब हम आते हैं जी इस बात के ऊपर कि आपके पास इस कॉलम की तरफ, तो हम यहाँ पर आते हैं और आने के बाद यहाँ पर ये करेक्ट कर लेना जो मैंने लिखा है वहाँ पर। अब यहाँ तक हम पहुँच गए, अब इसके बाद ये हमने अप्लाई करना शुरू कर दिया, यहाँ पे हमने फार्मूला सही कर लिया था। तो आर्क मूवमेंट अबाउट मीन, वाई बार की वैल्यू देखी, वाई बार की वैल्यू हमारे पास है जो हमने पहले ही फाइंड आउट कर ली थी 40 थी, और उसको कॉलम के अंदर भी यूज कर लिया था। अब इनकी वैल्यूज को, इनका समेशन जो है वो हम वैल्यूज का वहाँ से टेबल से देखेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर वैल्यूज को रखते जाएंगे। तो समेशन आई ये इसका 1 to 9 यानी 1 to 9 हमारे पास मौजूद है, जो कि समेशन आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर, समेशन हमारे पास क्या कहते हैं, ये इसका 0 आया था यानी ये 0 हमारे पास आया था। उसके बाद इसका 232 है,
जो हमारे पास ये है, और फिर इसके बाद ये हमारे पास 186 है, और ये हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ पर 110,706। तो ये सब वैल्यूज हम अपने फॉर्मूले के अंदर जो है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर हम इसका रिजल्ट मालूम करेंगे हर एक के अंदर। तो यही काम हमने यहाँ पर करने जा रहे हैं, और ये हमारे पास है, यानी कि हमारे पास ये लिखा जा रहा है। ये देखिए जी, अब वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करते हैं और यहाँ पे इसके आंसर हासिल करते हैं। तो 232 आप देख सकते हैं कि टेबल के अंदर आपके पास इसकी वैल्यू 2 Y I, यानी आपके पास हमारे पास क्या कहते हैं इसमें ये आंसर, यानी कि ये वैल्यूज हमने इसको हल किया, और उसके बाद ये थर्ड आ गया, थर्ड का आ गया 186, यानी थर्ड YI-40, और ये हमारे पास लिखा जाएगा। यहाँ पे जो YI है वो हमारे पास जैसे गिवन था, यानी Y1, Y2, Y3, यानी मैं कहना क्या चाहता हूँ, फिलहाल ये बाद में डिस्कस हो इसलिए के बात करते हैं। M3 हमारे पास ये आ गया, और उसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं इसमें ये बनेगा। अब ये अब हमारे पास ये वैल्यूज आ गई, इनकी वैल्यूज को रखा, यानी इसकी वैल्यूज को आप देखें, ये हमारे पास आ गया, और उसके बाद ये वैल्यू देखें, ये वैल्यू यानी समेशन YI-Y̅4 है हमारे पास, और उसके बाद ये फार्मूला देखें, इसमें ये वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। तो ये हमारे पास अनजोड डेटा की डिस्कशन मुकम्मल हुई। लेकिन एक बात जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि हमारे पास YI जो है वो यहाँ पर आपके पास फ्रीक्वेंसी के तौर पर लिया जा रहा है YI, यानी कि हमारे पास जो है YI आपके पास जैसे एक फ्रीक्वेंसी के तौर पर लिया गया, जबकि जब हम इंटरवल करेंगे, यानी कि मैं दोबारा बताना चाहूँगा, जब इंटरवल करेंगे तो वहाँ YI की जो वैल्यू है वो मिड पॉइंट की हैसियत से मिल जाएगी। इंटरवल से मुराद हमारे पास ये है कि जब जैसा क्लास का इंटरवल है आपके पास जैसे 5 से 10, उसके बाद 10 से 15, उसके बाद 15 से 20, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या कहते हैं 20 से 25, ये इंटरवल है। इस इंटरवल में जो YI की हैसियत है वहाँ पे मिड पॉइंट की हैसियत है। लेकिन जब इस किस्म का सवाल आएगा, जैसा कि ये हमारे पास सवाल है, इसमें इंटरवल नहीं दिया हुआ था, यानी इन्होंने इंटरवल हमारे पास नहीं दिया हुआ, ये देखिए इंटरवल तो नहीं दिया हुआ यहाँ पर, इधर आपके पास यानी कि 45 और ये सवाल के अंदर देखिए ये हमारे पास नहीं दिया हुआ। तो यहाँ YI की सूचियाँ कुछ और है, यहाँ मिड पॉइंट की हैसियत नहीं है, यहाँ पे सिंपल वो YI डेटा था 32 और 32-40 किया, ज्यादा ये डिफरेंस याद रखना कि कहाँ पे इसको मिड पॉइंट लेना है, कहाँ पे मिड पॉइंट नहीं लेना। अगर सिंगल डेटा होगा, यानी कि डेटा फ्रीक्वेंसी के बगैर होगा, तो उस सूरत हाल के अंदर हम उसमें से सिर्फ मीन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिस तरह के हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि हम इसके अंदर सब्ट्रैक्शन जो है वो हम लिखेंगे, जिस तरह ये हम यहाँ पे कर रहे हैं इस फॉर्मूले के तहत, यानी कि इसके अंदर सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं हम 32-40 और 36-4, यानी हम इसके अंदर इस तरीके से कर रहे हैं। लिहाजा इसके अंदर आप याद रखना है कि आपने जब डेटा बगैर फ्रिक्वेंसी के दिया जाएगा तो YI से मुराद ये होगा, और जब आपके पास इंटरवल के साथ दिया जाएगा 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, तो वहाँ YI से मुराद मिड पॉइंट होगा। अब हम आते हैं जी हम दूसरे पॉइंट की तरफ, जो कि अनग्रुप डाटा हमारे पास मौजूद है। अनग्रुप डाटा का सॉरी हो गया, अब हम यहाँ पर आते हैं ग्रुप डाटा, यानी मूवमेंट अबाउट मीन फॉर ग्रुप डाटा, यानी इसके अंदर हमसे है मोमेंट्स अबाउट मीन हम फॉर अनग्रुप डेटा, सॉरी फॉर ग्रुप डेटा, यानी ये हम टॉपिक जो है वो इसको कह रहे हैं मोमेंट्स अबाउट मीन फॉर ग्रुप डेटा, और 8 सैंपल स्पेस के तहत हमने ये फॉर्मूला लिखा। एन इज इक्वल टू समेशन FI है यहाँ पर, एन इज इक्वल टू समेशन FI, यानी फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन होगी, ये शर्त है, और YI यहाँ पर मिड पॉइंट होगा, यह जहन में रहे
वाई आई अगर क्लास इंटरवल हो। शायद ये भी है, मैं बगैर क्लास इंटरवल के भी फ्रीक्वेंसी का एक सवाल हम करेंगे इंशाल्लाह। तो और उसके बाद ये हमारे पास सोल्यूशन आ गए। आगे देखिए हमारे पास इसके अंदर वाई बार जो है उसका भी फार्मूला, यानी वाई बार मीन के हमारे पास क्या कहते हैं, वाई बार मीन हमारे पास ये फार्मूला, यानी कि इसका ये फार्मूला हमारे पास फ्रीक्वेंसी के साथ ये फार्मूला है मीन का। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं हम यहाँ पे आगे। अब उसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं, अब इसके अंदर एक जरा पॉइंट हमारे पास है बड़ा अहम है कि जी मैं इसके अंदर जो नोट लिखा हूँ वो दोबारा वही बड़ी आ जाती है बात कि हम उसके अंदर लिखे हैं कि आपके पास जो नोट लिखा जा रहा है ये नोट, इसके अंदर ये हमारे पास नोट है कि वे वाई आई इज द मिड पॉइंट इन द क्लास इंटरवल। लेकिन इसके अंदर एक और अहम बात है, इसके अंदर स्टूडेंट्स को मैं बार बार कह रहा हूँ कि क्लास इंटरवल की बात आते हैं वो यहाँ पर करेंगे कि क्लास इंटरवल हमारे पास लिखा जाएगा और उसके अंदर क्लास इंटरवल के अंदर आपके पास क्या कहते हैं ये क्लास इंटरवल, यानी कि ये क्लास इंटरवल हमारे पास होगा, यानी ये आपके पास क्लास इंटरवल होगा, ये क्लास इंटरवल आई एस क्लास इंटरवल, ये हमारे पास आई एस क्लास इंटरवल, आई एस क्लास इंटरवल हमारे पास होगा। तो लिहाजा आपने इसको यानी यहाँ से यहाँ तक आई एस क्लास, शर्त है कि क्लास इंटरवल की, बगैर क्लास इंटरवल के भी फ्रीक्वेंसी हो जाती है वो कैसे होती है उसको भी हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं। इस सवाल हमने ऐसा भी यहाँ पे रखा है कि वो भी हमारे पास लिखा जाएगा। अब हम आते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि ये इसके अंदर और इसका सवाल भी हल करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसके नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या कहते हैं क्या लिखा जा रहा है, यानी कि किस तरीके से हमारे पास होगा। तो हमारे पास ये है अब इसके अंदर हमारे पास ये है जी कि स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फार्मूला होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन वो सेकंड मोमेंट अबाउट मीन का स्क्वायर रूट। अब देखिए जी अगर आपको याद हो, यानी आपको जो है अगर याद हो इसके अंदर कि फार्मूला जो है वो आपके पास, यानी आपके पास कौन सा फार्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन का है, तो वो फार्मूला सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन है, यानी सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन आपके पास होगा, यानी सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन ये आपके पास होगा। और ये हमारे पास क्या होगा स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका फार्मूला हम देख लेते हैं कि ऊपर हमारे पास क्या है कि, और इसी तरह इसमें ये बात भी नोट कर लेंगे एम वन जो है वो आपके पास फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन, चाहे ग्रुप का हो चाहे एन ग्रुप का हो, वो हमारे पास जीरो होगा। ये हेडलाइन में भी मैंने ये कहा था फॉर ग्रुप एंड अन ग्रुप डेटा स्टैंडर्ड डेविएशन भी वैलिड करता है, और उसके अलावा एम वन जो है वो भी हमारे पास लिखा जाता है। और यहाँ भी हम ये लिखते हैं एम टू जो है अबाउट द मीन इज द वेरियंस, कि एम टू वेरियंस है, लेकिन एम टू को हम सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन को वेरियंस कहते हैं। और अगर हम इसका स्केयर रूट ले लें, यानी कि स्केयर रूट ऑफ सेकेंड मोमेंट, उसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन का नाम देते हैं। लिहाजा ये हमारे पास इस तरीके से किया जाता है और उसके अंदर ये सूरत हाल लिखी जाती है। देखते हैं जी इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है। इसका फार्मूला अगर आपको याद हो तो वो हमने लिखाया था, इसके अंदर ये फार्मूला था आर की वैल्यू जो होती है वो टू रखें, यानी कि आर टू रखें इसके अंदर, ये आर जो है वो आप इसके अंदर टू रखें, ये आर की वैल्यू टू रखें। जैसे ही आर की वैल्यू टू रखेंगे और तो समेशन जो है वो आप उसको खत्म कर, यहाँ पर समेशन आई इज इक्वल टू वन टू एन, तो हमारे पास इसके अंदर क्या लिखा जाएगा जी आर टू, यानी आर का स्क्वेयर हमारे पास है वाई आई माइनस आर टू एफ आई इंटू जे आई इक्वल वन टू एन, तो एन जो है वो आपके पास है यहाँ पे वो आ जाएगा समेशन एफ आई
जो भी सिचुएशन ऐसा ही बनेगा, हमारे पास आर की वैल्यू 2 रखने पर ये फार्मूला हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला बन जाएगा। अगर आपको याद हो तो आप अपने पिछले पेजेस के ऊपर देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास का फार्मूला हमारे पास क्या लिखा जाएगा। लिहाजा ये हमारे पास के चेक करने, तो सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन इज ऑल्सो कॉल्ड द वेरियंस, इसको वेरियंस कहेंगे। आर यहाँ है, आर इधर है, तो 2 रखने पर इसको वेरियंस का नाम दिया जाएगा एम 2 को। और उसके अलावा और वाई बार का फार्मूला ये हमने जो अभी डिस्कस किया, और आगे हमारे जैसे रहते हैं नेक्स्ट की तरफ आते हैं। लिहाजा एम 2 का अंडर रूट जो होगा वो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, और अगर एम 2 होगा तो वेरियंस होगा, एम 1 जो हमारे पास होगा, यही बात हमने यहाँ पर लिखी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब कैलकुलेट द एम 2 कि हम एम 2 सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन जो है वो हम मालूम करते हैं, यानी सेकेंड मोमेंट हम मीन जो है वो यहाँ पर मालूम करते हैं कि हमारे पास क्या लिखा जाएगा। इसके अंदर देखें जी, हमारे पास ये सूरत हाल है कि ये डाटा दिया हुआ है, लेकिन ये क्लास इंटरवल है हमारे पास जो है यहाँ पर, ये क्लास इंटरवल हमारे पास दिए गए। यहाँ पे क्लास इंटरवल जो है वो आपके पास दिए गए, तो लिहाजा यहाँ पे मिड पॉइंट वाई आई के बाद यहाँ पे मिड पॉइंट होगा जो हम वाई आई मालूम करेंगे। तो वाई आई मालूम करने के लिए हमारे पास क्या रहते हैं, अब इसको कैलकुलेट करते हैं और फार्मूला जो हम अप्लाई करेंगे वो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, इसके अंदर ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये जो हमारे पास आ रहा है ये एम आर समेशन एफ आई वाई आई माइनस वाई बार, और इसका आर पावर डिवाइड बाई एम समेशन एफ आई, यानी ये हम इस फार्मूले को यहाँ पर मालूम करेंगे। यानी आपके पास जो रहते हैं यहाँ पर हम इसके अंदर ये फार्मूला जो है वो हम इसके साथ काम करेंगे। अच्छा जी, अब हमारे पास ये आते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, कि इसके अंदर अब हमने ये फैसला तो कर लिया कि ये क्लास इंटरवल है और वाई आई से मुराद यहाँ पर मिड पॉइंट है, जबकि पिछले में सिंगल डेटा था तो वहाँ वाई आई से मुराद वो सिंगल वैल्यू थी, सिंगल एंट्री थी हमारे पास। तो ये हमारे पास इसके अंदर ये सूरत हाल थी, इसके अंदर भी आर की वैल्यू, यानी हमने पहले फार्मूला लिखा फॉर द ग्रुप डेटा, तो फार्मूला जो है वो आपके पास क्या होगा, तो फॉर द ग्रुप डेटा हमारे पास इसके अंदर फॉर द ग्रुप डेटा में वेरियंस ये होगा, ये वेरियंस होगा और इसी का स्केयर रूट लेंगे, ये एम टू है इसका स्केयर रूट लेंगे तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। लेकिन इसके अंदर हमारे पास ये हुआ कि इसमें आपके पास जो रहती है यहाँ पर स्केयर, इधर स्केयर मिस हो गया आर की वैल्यू, तो वो हम मिस करने की बजाय हम इसको लिख लेते हैं। और वाई बार जो है वो, क्योंकि ये भी यहाँ पर भी वाई आई से मुराद हमारे पास क्या कहते हैं, वाई आई से मुराद जो है मिड पॉइंट है, तो लिहाजा हम यहाँ पे कहते हैं जी इसके अंदर इसको पहले स्केयर को सही करते हैं कि आर जो है वो हमारे पास क्या लिखा जाएगा, यानी आर हमारे पास इसके अंदर लिखा जाएगा, तो ये हम इसके अंदर इसको स्केयर करते हैं, यानी आर और इसके बाद ये इसकी पावर 2, ये मेरा सेंसर हमें यूज नहीं हुई, कैसे आर इज इक्वल टू 2 हमारे पास, आर इज इक्वल टू, चले जी आप इसको सही कर लेंगे कि ये हमारे पास जो रहते हैं आर इज इक्वल टू 2 है। आर इज इक्वल टू ये मुझसे लिखा नहीं जा रहा, यानी कि एडजस्ट नहीं हो पा रही है मुझसे इसकी टाइम, तो शायद आप इसको एडजस्ट कर लेंगे कि ये हमारे पास इसके अंदर ये लिखा जाए, यहाँ पे 2 लिखना, ये आप सही कर लेना, वाई वाई आई माइनस वाई बार का
कोर्स के हमारे पास सीखा जा रहा है। चलिए जी, हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। इसके अंदर कि आप अब हम आगे आते हैं जी, इसके अंदर अच्छा इसको हम करने के लिए हमारे पास ये वैल्यूज हैं जी, ये वही डेटा है जो हमने यहाँ कलेक्ट किया था 12, 18, 29, 12, 18, ये यहाँ लिखा है। लेकिन ना ये सवाल हम पहले भी हल कर चुके हैं, लेकिन एक दफ़ा फिर भी के साथ रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास इसके अंदर इसमें ये हमारे पास आएगा जी, इसके अंदर यानी इसमें आपके पास यानी कि ये वैल्यूज हम इसके अंदर ये वही वैल्यूज हैं जो हम इससे पहले लिख चुके यहाँ पर। ये वैल्यूज वही हैं जो वैल्यूज अभी हमने यहाँ पे पढ़ी लिखी थी, जिसके मुताबिक हम सवाल पूछ रहे थे। पेज जरा आगे पीछे हो गए, पेज नंबरिंग, लेकिन कोई बात नहीं, ये हमारे पास लिखा जाएगा। उसके बाद आगे एक और बात है, इसके अंदर ज़रा गौर करें कि हम यहाँ पे वेरियंस कह रहे हैं, वेरियंस करें एम टू की बजाय यहाँ पर एम टू कहते थे, वेरियंस कहते, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद दूसरी चीज़ एक और है हमारे पास कि हम इसके अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो हम कह रहे हैं, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या मतलब इसका, फ्रॉम द मीन हम जो है वो यहाँ पे लिखे हैं, तो इसका मतलब हमारे पास मीन के जरिए कहते हैं, इसका मतलब एम टू निकालना। अब ये चूँकि हम पहले सवाल हल कर चुके हैं, लिहाजा इसका ओवरव्यू जो है वो हम तेजी के साथ लेते हैं, और फिर भी उसके अंदर अब ये लाजमी बात है कि हमें ये देखना है कि फार्मूला हमारे पास कौन सा अप्लाई किया जाए। तो फार्मूले में ये हमारे पास है जी, इसके अंदर यानी फार्मूला हमारे पास है, जरा देखें हमारे पास फार्मूला क्या है जी। फार्मूला हमारे पास है समेशन, क्योंकि ये इंटरवल है, तो लिहाजा ये फार्मूला हमारे पास अप्लाई होगा, यानी ये स्टैंडर्ड ये लिखे हैं फार्मूले दोनों, ये फार्मूले दोनों लिखे हैं इसके, ये फार्मूले हमारे पास दोनों के दोनों यहाँ पर लिखे हुए हैं। कौन से, एक तो वेरियंस का लिखा हुआ, ये वेरियंस का है, और ये हमारे पास बॉक्स के अंदर जो नज़र आ रहा है ये स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो लिहाजा ये अब हमारे पास सेकंड मोमेंट हम जो है इसका मालूम करेंगे, सारी चीज़ें जो है वो डेटा ही बता देगा कि आपने कैसे काम करना है। तो यहाँ पर हम आते हैं जी, इसके अंदर ये देखें अब हमारे पास क्या कहते हैं, इसको हम हल करते हैं। इसमें इसके मुताबिक जो हमें चाहिए तो वाई आई माइनस वाई बार चाहिए, वाई आई मैंने कहा था मिड पॉइंट होगा, तो लिहाजा यहाँ पर वाई आई हमारा मिड पॉइंट होगा। पहले सवाल जो है वो हम यहाँ पर इसकी डेटे की वैल्यूज को हम कर लेते हैं। ये देखें जी, यहाँ पर हमने इसको मिड पॉइंट की हैसियत से लिया, ये मिड पॉइंट है वाई वन आपके पास तो रहते हैं, यानी वाई वन ये देखें ये मिड पॉइंट हमारे पास है 30 प्लस 35, क्योंकि इसके अंदर जो इंटरवल दिया हुआ है वो हमारे पास इसका ये दिया हुआ है 30 प्लस 35, और डिवाइड बाई 2 हमारे पास है, तो लिहाजा 32.5 हमारे पास इसका आंसर है। सेम यही काम हम जो है हर इंटरवल के साथ करेंगे, और उसके अंदर ये हमारे पास लिखा जाएगा कि ये हमारे पास क्या कहते हैं, इसके अंदर देखें जी हमारे पास ये है कि आप इसमें इसके अंदर हर एक क्या जो है मिड पॉइंट हम निकाल लेंगे, और मिड पॉइंट निकालने के बाद हम इसको यानी हर एक का ये लिखा भी हमने है कि हर एक का मिड पॉइंट यहाँ पर फाइंड आउट होगा, और इसके अंदर आपके पास क्या कहते हैं ये मिड पॉइंट हमने फाइंड आउट कर लिए। उसके बाद फिर इस कॉलम को हमने दूसरे फ्रीक्वेंसी के साथ जो है वो मल्टीप्लाई किया, और जो हमारे पास क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी एफ हमारे पास है, ये फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, इससे हमने मल्टीप्लाई किया, और ये रिजल्ट हमने यहाँ पर लिखा इसका, ये हमने कॉलम जो है वो बनाया है इसका, इसके अंदर तो कॉलम में हमने यहाँ पे इसका रिजल्ट लिखा, यहाँ से नीचे हमारे पास है ये रिजल्ट इसका, यानी कि
दोनों को मिड पॉइंट को और उसको मल्टीप्लाई किया और रिजल्ट हमारे पास ये आ गया। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे वाई आई माइनस वाई बार जो है वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया, यानी कि हमने यहाँ पर ये वाई आई माइनस वाई बार इसका जो कॉलम है वो हमने यहाँ पर लिया और यहाँ से ये इसकी हेडलाइन हमने यहाँ पे बनाई है। वैसे ये हेडलाइन हमारे पास है, यानी वाई आई माइनस वाई बार ये लिखा गया जी हमारे पास। थोड़ा सा और वाजे कर लेते हैं, ये हमारे पास है और इसी तरह ये यहाँ तक लिखा गया y माइनस वाई बार, और y बार जो था वो हमारे पास 44.5 आया था। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे इसकी y बार की वैल्यू रखी, ये y बार हमने मालूम किया, y बार जो हमने मालूम किया वो हमारे पास ये था, यानी कि y बार हमारे पास ये आया था इन सारों की वैल्यू रखने के बाद। उसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ पर ये रिजल्ट आए, इसको हम क्लियर करते हैं और यहाँ से आपके पास ये कहते हैं ये कॉलम हमने यहाँ भी बनाए थे कि वाई आई माइनस वाई बार का स्क्वायर, क्योंकि हमें जो वैल्यू चाहिए थी वो आपके पास वेरिएंस की चाहिए थी और वेरिएंस के अंदर आपके पास यहाँ पर वेरिएंस में आपके पास इसमें जो लिखा था वो हमारे पास, यानी वेरिएंस हमारे पास ये था और उसमें रिक्वायर्ड था आपके पास ये सारा, यानी वेरिएंस हमारे पास क्या कहते हैं ये लिखा हुआ था यहाँ से, ये वेरिएंस हमारे पास था और उसके बाद समेशन एफ आई ये जुमला था और उसके बाद ये सारी कैलकुलेशन हमने पहले वहाँ पर की, यानी कि ये हमारे पास वाई बार, और उसके बाद फिर हमने वेरिएंस जो है उनकी वैल्यूज को इस्तेमाल किया और कैलकुलेटर के ऊपर लिखा तो वो हमारे पास इसके अंदर, यानी ये हमारे पास इसकी वैल्यू समेशन वाई माइनस वाई बार की वैल्यू आपके पास ये वैल्यूज हमारे पास इसके अंदर ये आई थी, ये वैल्यूज आई थी इसकी 5390। ये वैल्यूज हमने यहाँ रखी इसके अंदर और ये वैल्यूज के साथ ही हमारा आंसर जो है वो ये आ गया। उसके बाद फिर हमने इसका यहाँ पर स्क्वायर रूट लिया और स्टैंडर्ड डेविएशन हमने निकाल दी। अब स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद हमारे पास क्या कहते हैं जो कि आई 6.846 हमारे पास आई, तो 846 हमारे पास आई जो कि सेकंड मोमेंट हमारे पास आया। सेकंड मोमेंट हमारे पास ये मौजूद है, यानी सेकंड मोमेंट हमारे पास जो कि इसकी इंटरप्रिटेशन हमने की, हमने कहा कि लार्जर वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिकेट लार्जर डिस्पर्शन और द स्मॉलर वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिकेट स्मॉलर डिस्पर्शन, कि वो स्मॉलर डिस्पर्शन इससे मुराद दी जाएगी। इसको एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इंटरप्रिटेशन जो स्टैंडर्ड डेविएशन की है, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास यानी एम टू का स्क्वायर रूट, यानी सेकेंड मोमेंट का स्क्वायर रूट की जो इंटरप्रिटेशन है, चाहे तो मैं सेकेंड मोमेंट की स्क्वायर रूट नाम ले लूँ या मैं नाम स्टैंडर्ड डेविएशन ले लूँ, दोनों नाम एक ही हैं, एम टू का जजर या हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन एक ही नाम है। इससे मुराद ये है कि अगर एक स्टूडेंट है वो फॉर एग्जांपल हमारे पास 50 मार्क्स लेता है बड़ी मुश्किल से और पास होता है, यानी कि आपके पास क्या कहते हैं एक स्टूडेंट है आपकी क्लास के अंदर, वो कभी 50 लेता है, कभी 52 लेता है, कभी 57 लेता है और कभी 45 लेते हैं, लेकिन एक दिन अचानक वो जो है वो सबसे क्लास को टॉप कर जाता है, तो उसके लिए टीचर जो है उसको वो टीचर उसको शक की निगाह से देखते हैं, वो अपनी वैल्यूज को यानी कि वो 90 नंबर ले लेता है। अब 90 नंबर मार्क्स जो हैं वो उस टॉपर के हैं, फॉर एग्जांपल वही टॉपर है, तो अब हमारे पास क्या हुआ कि वो तो 50 के राउंड अबाउट नंबर लेता था, बड़ी मुश्किल से पास होता था, एक्सपेक्टेड वैल्यूज की ये थी कि 50 राउंड अबाउट 50, और लेकिन उसने अचानक 90 नंबर ले लिए। अब इसके अंदर हमारे पास क्या होगा कि जो 50 है ना वो उसकी सेंट्रल टेंडेंसी कहलाती है, इसको हम सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं यानी मीन कहेंगे,
मीन सेंट्रल टेंडेंसी के नाम जो हैं वो एक से ज़्यादा हैं। मसलन सेंट्रल टेंडेंसी में मीन भी शुमार है, मीन, उसके बाद मॉड भी है, मीडियन भी है, ये हमारे पास सेंट्रल टेंडेंसी के हमारे पास टर्म्स हैं। तो मीन हमारे पास उसका फॉर एग्जांपल, यानी जब भी हम एक्सपेक्टेड वैल्यू की वैल्यू ये थी एक्सपेक्टेड वैल्यू इस स्टूडेंट से कि वो 50 के करीब नंबर लेगा, लेकिन वो अचानक टॉप कर गया, 90 नंबर ले लिए और सबको हैरान कर दिया। इसको अब ये 50 से अपनी मीन से 40 मार्क्स आगे गया, इसको हम डिस्पर्शन कहते हैं। और इस तरह की उसने काफ़ी डिस्पर्शन किए, मतलब 100 मरतबा तो उसने 50 के करीब नंबर लिए और 10 दफ़ा जो है वो डिस्पर्शन किया उसने। ये डिस्पर्शन जो मैयर हम कर रहे हैं, इसका नाम ही देखें ना, मैयर्स ऑफ डिस्पर्शन, के मैयर्स ऑफ डिस्पर्शन हमारे पास है। लिहाजा ज़्यादा वैल्यू ले लेना, यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी की क्या थी जिसकी जिससे हम एक्सपेक्टेड कर रहे थे कि वो थी 50, राउंड अबाउट 45 ये थी, लेकिन वो गया है 90 पर। इसी तरह अगर वो हमारे पास ये होता है कि वो ज़ीरो ले लेता है, यानी वो 100 मरतबा पेपर में अपीयर होता है, या 50 मरतबा, या 40 मरतबा, या 30 मरतबा टाइम्स वो अपीयर होता है, 30 टाइम्स 40 टाइम्स अपीयर होता है, लेकिन वो कभी भी 50 से ऊपर नहीं जाता है, एवरेज हमारे पास रहता है। लेकिन अचानक वो जो है वो 2 नंबर ले लेता है, तब भी हमारे लिए परेशान क्यों है, वो डिस्पर्शन है कि ये डिस्पर्शन हमारे पास क्या मौजूद है कि इसका, इसको भी हम डिस्पर्शन कहते हैं। तो डिस्पर्शन डाटा को मैयर करने के, जो कि 10 दफ़ा वो लेता है ऐसा कि भाई, और 5 दफ़ा वो, तो इसको यानी कि हम अपीयर इसको मैयर करने के तरीके काल में एक स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमारे पास मौजूद है, जो कि मीन से इसका हटाव दिखाती है कि एक्सपेक्टेड तो हम 50 के करीब कर रहे थे, कभी ये 5 ले रहा है नंबर और कभी जो चाहे वो 90 नंबर ले रहा है। तो ये टीचर्स को भी मशकूक करती है बातें कि भी कहीं चीटिंग तो नहीं की इस बंदे ने, या ये भी होता है कि जी फेल हो रहा है तो फिर भी यहाँ पे वो तो एक एटीट्यूड है कि फेल हो रहा है, यानी 5 नंबर लिए तो वो कहते हैं कि जी 5 पे कोई भी शक नहीं करता, जो 50 नंबर वाला स्टूडेंट है उसके ऊपर 5 नंबर पर शक नहीं किया जाता, लेकिन बाज़ अवक़ात हमें नीचे जाने पर भी हमें जो है वो मशकूक होना पड़ता है कि ये वैल्यू क्यों जो है इतनी कम हो गई। लिहाजा इसको हम डिस्पर्शन कहते हैं, और डिस्पर्शन में ज़्यादा बड़ी वैल्यू आएगी, ये देखिए हमारे पास ज़्यादा बड़ी वैल्यू है, तो इसका मतलब हमारे पास ये है कि ये अगर डिस्पर्शन में ज़्यादा बड़ी वैल्यू है तो इसका मतलब ये है कि स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी उसका स्टैंडर्ड डेविएशन बड़ी वैल्यू के साथ आया, यानी बड़ा जवाब आ गया 96 आ गया, या इससे जवाब जो है वहाँ पर आ गया, तो इसका मतलब ये होगा कि बहुत ज़्यादा डिस्पर्शन है। और अगर ये 6 आया तो ये डिस्पर्शन असल में ना, आप डिस्पर्शन का आप डिसीशन इन्वायरमेंट पर है। मसलन बाज़ अवक़ात हमें डिस्पर्शन जो है ना वो एक्सेप्टेबल होता है, मसलन अगर ये जो यही स्टूडेंट 50 लेते हैं तो ये 53 ले लेते हैं। अब एवरेज तो टेंडेंसी इसकी ये थी कि ये 50 लेगा, लेकिन इसे 3 नंबर ज़्यादा ले लिए, एक्सेप्टेबल है कोई बात नहीं, 3 नंबर इससे अगर ज़्यादा भी चले गए तो क्या फ़र्क पड़ा इस स्टूडेंट से, कोई दीप तो नहीं मार दिया। इसी तरह 50 की सेंट्रल टेंडेंसी थी, यानी उसका मीन जो आंसर था उसका रुझान तकरीबन 50 के करीब था, उसने फॉर एग्जांपल 46 ले लिए, 4 नंबर कम हो गए, तब भी हमें कोई फिक्र की बात नहीं है। तो बाज़ अवक़ात ना हालात बताती हैं इसी तरह, लेकिन यहाँ पे फिक्र की बात होगी कि एक स्टूडेंट आपके फर्स्ट सेमेस्टर में भी टॉप करता है, सेकंड में भी टॉप करता है, थर्ड में भी टॉप करता है, फोर्थ में भी टॉप करता है, फिफ्थ में आके वो जो है वो फेल हो जाता है। यहाँ पे हमें जो है ना डिस्पर्शन की वैल्यू जो है वो बड़ी अहमियत के हामिल हो गई, या वो 10वीं पोजिशन पे चला जाता है क्योंकि उसका डिस्पर्शन, अब बस एक्चुअल स्टैंडर्ड डेविएशन का बढ़ जाना या कम हो जाना का डिसीशन आपके लिए, यानी इन्वायरमेंट में बताएंगे कि वो हमारे पास किस तरीके से उसका बेहतर, हमारे पास ये हमारे इन्वायरमेंट में बेहतर है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो हमारे लिए लार्जर हो सकता है, बहुत बड़ा लार्जर कीजिए, बहुत बड़ा डिस्पर्शन हमारे पास कर दिया इसमें, या और ये कब जो है हमारे पास इसके अंदर ये सूरत हाल यहाँ पर लिखी जाती है। अब हम आते हैं जी दूसरी तरफ कि ये हमारे पास, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, उसके बाद दोबारा हम उधर चलते हैं जी, यहाँ पर अपने पेज की तरफ, यहाँ से सवाल हमारे पास आ गया था और उसके अंदर ये सवाल हम कर रहे थे। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आते हैं जी हम, जिसमें जो डेटा है वो हमारे पास, देखें ये
डिस्क्रीट फॉर्म में जीरो जो है वो 17 है, ये इसका मतलब है जीरो 17 टाइम्स अकर हुआ, इसका ये मतलब है। जीरो का मतलब अगर यहाँ पे ये लिखा जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि जीरो जो है वो आपके पास क्या कहते हैं 17 टाइम्स अकर हुआ है, ये इससे मुराद ये है, इससे मुराद है कि जीरो 17 टाइम्स लिखना चाहिए। बाज़ का डाटा बहुत बड़ा इस तरह भी हो जाता है कि जो डिस्क्रीट वैल्यू है ये कंटिन्यूस वेरिएबल है वैल्यू है वो हमारे पास बहुत, अब वन इसका मतलब है वन जो है वो 9 टाइम्स लिखना था और टू जो है वो आपने यहाँ पर इस तरह लिखना था। और ये फ्रीक्वेंसी इसने बता दी, फ्रीक्वेंसी कहते ही हम इसको कि ये टाइम कितने टाइम अकर कर रहा है, और ये हमारे पास 4 जो है वो 3 टाइम अकर कर रहा है। अब इसके अंदर जो है हमने फार्मूला अप्लाई करना है ये फ्रीक्वेंसी का, इसमें मिड पॉइंट नहीं आएगा क्योंकि इसमें क्लास इंटरवल नहीं है, असल चीज़ हमारे पास ये है कि इसके अंदर क्लास इंटरवल नहीं है। यहाँ पर भी हमारा आर रह गया कि आर जो है वो हमारे पास क्या लिखा जाएगा, यानी कि आर हमारे पास इसके अंदर आर जो यहाँ आर लिखना था, आर आर हमारे पास लिखना था, तो आर हमारे पास आपने लिखने में सही कर लेंगे। अब इसमें क्या कहा है कि जी आप जो है वैल्यूज़ M1 से लेकर आप वैल्यूज़ जो है वो M4 तक मालूम करें, ये आपकी असाइनमेंट है, ये सवाल में मुकम्मल नहीं कर रहा यहाँ पर, और इसका लेकिन इसका नहीं अल्टरनेट जो है वो करूँगा जो इससे मिलता जुलता सवाल हमारे पास मौजूद है। तो ये आपके पास असाइनमेंट है, आपने इसको करना है, और इसके अंदर कॉलम जो बनानी है वो मैंने यहाँ पर मैंशन किए हैं कि जी कॉलम जो आप बनाएंगे वो कॉलम आप हमारे पास से कहते हैं कॉलम बनाने हैं आपने यहाँ से लेके, यानी ये नए कॉलम क्योंकि ये दरकार होगी 4 तक, यानी ये आपके पास 4 तक हमारे पास होगी, लिहाजा ये हमारे पास इस तरीके से बनाए जाएंगे, ये कॉलम हमने बनाने हैं, लिहाजा इसके अंदर यही कॉलम हम लिखेंगे और इसके अंदर ये कॉलम बनाएंगे, और इसके बाद आगे जो जो ज़रूरत आती रहेगी हमें, यानी जो जो ज़रूरत हमें आएगी हम उसके अंदर जो है वो काम करते रहेंगे। अब ये नीचे भी कॉलम बनाए मैंने क्योंकि हमने मालूम क्या करना था M1 M2 M3 M4, यानी हमने मालूम ये करना है, जब ये करना है तो फिर हमें लाजमी बात है कि हमें इसके अंदर यानी ये वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी है M1 M2 M4, तो इसका फार्मूला होगा M4 का फार्मूला लिख लेते हैं, ज़बानी देखते हैं सॉल्यूशन I=1 to n और F(i) इंटू yi-y̅ का होल की पावर 4 रेस टू पावर 4 हमारे पास होगी। तो लिहाजा ये हमारे पास इसको मालूम करना है, तो जितनी कॉलम की हमें ज़रूरत है हम वो तो उसके अंदर मालूम करेंगे, तो ये सारे कॉलम हमने निकाल के फिल करने और इसकी सबमिट करनी है आपने व्हाट्सएप पर, ये असाइनमेंट जो है ये आपने व्हाट्सएप के ऊपर सबमिट करनी है, यानी ये असाइनमेंट आपने व्हाट्सएप पर सबमिट आपने करनी है। अच्छा जी, अब हमारे पास ये है कि इसी से मिलता जुलता सवाल हम आगे करते हैं, ये सवाल हम डिस्कस कर चुके हैं और यहाँ से ये सवाल हम करते हैं, ये पहले भी हमने हल किया आपके साथ लेकिन बाई चांस मुझे चांस मिल गया तो हम इसको ही स्टैंडर्ड बना के डिस्कस करके अपने लेक्चर को ख़त्म करते हैं। अब ये देखें ज़ीरो हमारे पास है, यहाँ पर आपके पास है ज़ीरो, ये देखें ज़ीरो जो है वो 17 टाइम्स, यानी ये देखें मैंने यहाँ लिखा भी है कि ज़ीरो जो है वो आपके पास 17 टाइम्स अकर हुआ, 17 टाइम्स, और इसी तरह मैंने 1 को लिखा है कि 1 जो है वो आपके पास 9 टाइम अकर हुआ, तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ लिखा है क्योंकि आप इसके अंदर 1 जो है वो आपका 9 टाइम्स है। इसी तरह बाकी चीज़ें 4 जो है वो 3 टाइम्स है। अब इसके अंदर फ्रीक्वेंसी तो है लेकिन क्लास इंटरवल नहीं है, यानी यहाँ पर आपके पास ये क्लास इंटरवल नहीं है, ये क्लास इंटरवल तो नहीं है, लिहाजा ये हमारे पास क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी है। अब इसको वाई आई को मिड पॉइंट नहीं कहेंगे, यानी कि हमारे पास कहते हैं सिंगल वैल्यूज़ के तौर पर हम इसको लेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये दो कॉलम लिखते हैं, यानी कि ये दो कॉलम हमारे पास मौजूद हैं और इनका दो कॉलम जो गिवन थे जो क्वेश्चन के अंदर दिए हुए थे, फिर उसके बाद हम इनका जो है F(i) क्यों निकालते हैं क्योंकि हमारे पास क्या कहते हैं वाई बार जो है उसने ये दिया हुआ है वाई बार। अब वाई बार मालूम करना, जब तक वाई बार नहीं होगा तो आप इसको निकाल नहीं फाइंड आउट भी नहीं कर सकेंगे। उसके बाद इसका फार्मूला ये अप्लाई करना है हमने स्टैंडर्ड डेविएशन, तो सबसे पहले तो हम इसका फार्मूले के लिए ये कॉलम जो है वो हमें रिक्वायर्ड होगा,
यानी ये कॉलम हमें रिक्वायर्ड होगा जब हम इसके अंदर, ये कॉलम हमें रिक्वायर्ड होगा अगर हम वाई बार फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो लिहाजा ये हमारे पास आ गया। अब उसके बाद हमारे पास दूसरा फार्मूला क्या है जी, कि ये फार्मूला रिक्वायर्ड है, ये वाला फार्मूला हमारे पास, तो एफ आई समेशन एफ आई इंटू एफ वाई आई माइनस वाई बार। अब वाई आई से मुराद जो है वो ये वैल्यूज़ हैं हमारे पास, ये वैल्यू मिड पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ को हम रखेंगे और उसके बाद इसमें से जो हमने मीन निकाला है, और मीन हमने ये फाइंड आउट कर लिया था 1.2, तो हमने इसके साथ कर दिया। फिर इसका स्केल करेंगे और सेकेंड मोमेंट जो कि वेरियंस होगा, वेरियंस फाइंड आउट करेंगे इस फार्मूले के तहत जो हमने यहाँ पर निकाला है, और फिर उसके बाद इसका स्केयर रूट ले लेंगे साथ ही हम। तो स्केयर रूट हम जो है वो ले लेते हैं यहाँ पे, इस कॉलम में इसकी भी जरूरत पेश आई थी, यानी कि ये कॉलम, और इसके बाद वाई आई माइनस आर 12, और इसका जो है ये कॉलम ना असल में मैं भूल गया था, यानी कि ये कॉलम इसमें एफ आई नहीं है, ये सिंपल जो हमारे पास कॉलम है, ये कॉलम हमारे पास, यानी ये कॉलम हमारे पास क्या कहते हैं, ये कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम जब तक नहीं होगा वो एफ आई से मल्टीप्लाई होगा ही नहीं, लिहाजा ये कॉलम मैंने बाद में मालूम कर लिया, क्योंकि स्केल चाहिए था, वो स्केल ये था हमारे पास, क्योंकि आप इसके अंदर स्केल मालूम करेंगे तो आपका सवाल इसके अंदर डेविएशन हल होगा वरना नहीं हल होगा, लिहाजा हमने यहाँ पे मालूम कर लिया। लेकिन यहाँ पे कोफिशेंट ऑफ वेरिएशन हमने सवाल नहीं किया था, लेकिन सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन जो था वो खुद ब खुद हल हो गया था। तो आपने सिर्फ सेकेंड किया है, इसी तरह वहाँ पर जो असाइनमेंट है आपकी, उसके अंदर दो असाइनमेंट मैंने दी हैं, तो दोनों असाइनमेंट में एक असाइनमेंट ये है हमारे पास, एक असाइनमेंट ये है और दूसरी असाइनमेंट आपकी क्या है वो भी देख लेते हैं। दूसरी असाइनमेंट जो है हमारे पास, ये भी सवाल एक ही असाइनमेंट में सामने, एक ही असाइनमेंट है जी, इसे आपने व्हाट्सएप करके अपना रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन के नंबर के जरिए करना। आज की डिस्कशन में हमने देखा है हमें ये नहीं करने, यानी कि इस हिस्से में नहीं करने, बाकी क्या कहते हैं इसके फार्मूले याद ज़रूर करने। ये कोफिशेंट ऑफ वेरिएशन है जो कि दो मुख्तलिफ डेटा के दरमियान में आपके पास वैल्यूज़ को कंपेयर किया जाता है, ये हमने अपने लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। अब हम यहाँ पर इसके अंदर इस लेक्चर को एंड करते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में काम करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।